अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं एक नई रेसिपी शेयर करूंगी। ये चना निम्को बनेगी। इसके लिए हमने ये एक प्याली वाइट चने लेने हैं। इसको धोकर आप अच्छी तरह धो लीजिएगा। उसके बाद आप इसको किसी बाउल में डाल के पानी डाल के इसको भिगो दीजिएगा। ओवरनाइट आप इसको भिगो के रखेंगे। जब सुबह आप इसको निकालेंगे तो इसका पानी आप निकाल के यूँ चने आप इसके अलग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने इस तरह इनको चनों को एक साफ कपड़े के ऊपर फैलाना है और अच्छी तरीके से इनको ड्राई करना है। इस तरीके से जब आप यूँ हल्का हल्का इनको करेंगे ये ड्राई हो जाएंगे। थोड़ी देर बिखेर के इसको रखिएगा, इनका सारा पानी निकल जाना चाहिए। ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने एक पैन लेना है, उसके बीच में हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें ये जो हमने चने ड्राई करके रखे हुए थे ये हम इसके बीच में ऐड करेंगे। अभी हम इसमें हाफ डालेंगे, हाफ इसके बाद हम दोबारा बाद में करेंगे जब ये हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम हिला लेंगे, इसके बाद हमने इसको हिलाना नहीं है। ये इसी तरह होता रहेगा, जब ये थोड़े से पकना शुरू होंगे फिर ये ऊपर आ जाएंगे, तब तक हमने इसको हिलाना नहीं है। ये इसी तरह पकते रहेंगे। ये देखिए अब काफ़ी देर तक इसको हो गई है, ये इसको बुलबुले से आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम हिला लेंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में। तब तक हमने थोड़ा सा इसका वेट करना। फ्लेम इसका मीडियम ही होगा, हम इसको ज़्यादा ऊंची तेज़ आग पे इसको नहीं बनाएंगे, बस इतना सा होगा। और काफ़ी देर तक इसको भी हम रखेंगे। अब देखिए ये साइड से ना कुछ कुछ हैं जो पके ऊपर आ गए हैं, कुछ अभी जो पके नहीं हैं वो भी काफ़ी हद तक नीचे हैं। ऐसा ऐसा ये इसी तरह जैसे ये ऊपर आ रहे हैं ना ये वाली, इस तरह ये ऊपर आ जाएंगे। ऐसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये पक चुके हैं। ये देखिए अब काफ़ी हद तक ये ऑयल के ऊपर ऊपर आ चुके हैं, पैन से अलग होके अब ये ऊपर आ चुके हैं। जब ये कम्प्लीटली पक जाएंगे ना, सब सारे पक जाएंगे तो ये सारे ऊपर आ जाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये रेडी है। फिर हम इसको ना निकाल लेंगे, इस स्ट्रेन के साथ इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक सारे ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसको हल्का सा मुँह फेर देंगे ताकि इसकी साइड्स चेंज हो जाए, अच्छे तरीके से ये पक जाएंगे, क्रिस्पी से हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर और हम इसको इसी तरह पकने देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। मैं अभी जो बना रही हूँ ना ये बिल्कुल इसी कलर में है, इनका कलर मैं चेंज नहीं कर रही। लेकिन अगर आपने बनाने हो कलरफुल तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने इससे करना होगा कि जब आप भिगो लेंगे ना, तो जैसे एक पानी है उसमें आपने सादे वाले मतलब कुछ चने जो आपने सादे रखने हैं वो भी घो दें। दूसरी प्याली में आप थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करके पानी में मिक्स करके पहले वहाँ पर चने भी घो दें। कुछ एक और प्याली में उसमें थोड़े से चने लेके पानी डाल के उसमें कलर डाल दें रेड वाला। तो इस तरह ये ग्रीन रेड जो जो आपको कलर पसंद है, बच्चों के हिसाब से जो उनके फेवरेट कलर्स हैं वो आप डाल के भी आप निकालेंगे तो इसी तरह जैसे आपने पहले पानी ड्रेन किया था इसी तरह करके सेम प्रोसेस वो ही होगा। फिर आप इनको इसी तरह ये बना लेंगे, वो कलरफुल हो जाएंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें जी अब मैंने ये बना लिए, कंप्लीट हो गए ये दोनों। और अब मैं आपको इसकी क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही मज़े के बने हैं, ये क्रिस्पी क्रिस्पी से हैं। अच्छा अब अगर आप बच्चों के लिए अलग करना चाहें तो वो अलग कर लें, और बड़ों के लिए अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं जैसे ये मैंने चाट मसाला लिया है तो ये थोड़ा सा ऊपर आप इसे स्प्रिंकल कर दें।
कोई भी चाट मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी आपको एक चाट मसाला बनाने की रेसिपी बताऊँ, जिसमें आपको बता दूँगी कि कैसे बनता है। ठीक है, अब ये देखिए इसको आप ऐसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कितने क्रंची से हुए हुए हैं। और दूसरा वाला कह रहा है मुझे क्यों नहीं किया, इसलिए वो भी शोर कर रहा है। चलें जी, ये देखें मज़ेदार रेसिपी एक और आपके लिए रेडी है। अब आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ताकि आपको मैं नई और मज़ेदार वीडियोज़ और रेसिपीज़ आपको शेयर करती रहूँ। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के सुपुर्द।